तो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे कैसे यात्रियों की सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए कौन से रूट पर ट्रेन चलाने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक कर लें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको आईडी दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इंदौर से खजुराहो के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 19664 और 19663 ट्रेन सप्ताह में 4 दिन नए नंबर से 14116 और 14115 के तहत प्रयागराज से अम्बेडकर नगर के लिए चलेगी। ये ट्रेन 14116 प्रयागराज से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए हर मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को चलेगी। वापसी में ये गाड़ी 14115 हर सोमवार, बुधवार, शनिवार और रविवार को डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के लिए चलेगी। प्रयागराज से डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दोपहर 3:20 पर ये ट्रेन चलेगी प्रयागराज से, और अगले दिन 8:50 पर ये ट्रेन इंदौर आएगी। इसके बाद 9:45 पर ये ट्रेन महू पहुंचेगी, महू जो कि डॉक्टर अंबेडकर नगर का सब्स्टिट्यूट रेलवे स्टेशन है इसके लिए। और डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के बीच ये ट्रेन सोमवार, बुधवार, शनिवार एवं रविवार को चलेगी। महू से सुबह 11:15 पर ये ट्रेन चलेगी और सुबह 11:50 पर ये ट्रेन इंदौर आएगी। इसके बाद ये ट्रेन अगले दिन सुबह 6 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। अब मैं आपको बता देता हूं रास्ते में ये ट्रेन कहां कहां रुकेगी। रेलवे की ओर से दी जानकारी के मुताबिक ये ट्रेन रास्ते में इंदौर, फतेहाबाद, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, सांची, विदिशा, बीना, ललितपुर जंक्शन, टिकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, खजुराहो, महोबाद जंक्शन, बांदा, चित्रकूट धाम, करवी, मानिकपुर जंक्शन, शंकरगढ़ और नैनी रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन से सेकंड एसी 4 लगेंगे और 7 स्लीपर लगेंगे और 3 थर्ड एसी लगेंगे और 4 सामान्य। तो यही ट्रेन थी फ्रेंड्स, और इस ट्रेन का नाम प्रयागराज एक्सप्रेस होगा, ये प्रयागराज एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी मेरे ख्याल से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी अगर आप सफ़र करना चाहते हैं इस रूट पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाहर निकलें मगर मास्क और सैनिटाइज़र लेकर ज़रूर निकलें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।